अब तो कोई नहीं आया, आदि जी को तो आ जा रहा था। और लक्षु तो कभी लेट नहीं करती, पहले ही आ जाती है मेरी मदद करने के लिए। आ गए साहब। दीदी हम आ गए। लक्षु नहीं आई? मंगल, लक्ष्मी नहीं आएगी तो हमें अंदर नहीं आने देगी बेटा? नहीं ऐसी बात नहीं है, अब आइए ना, अब संभल के रंगोली खराब ना हो जाए। पापा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। लक्षु वो लक्ष्मी दुकान पर गई, बहुत जरूरी काम आ गया था। क्या? मेरी बात हुई थी उससे, आज पूजा में तो आना ही चाहिए ना। अब पापा आप बैठिए ना। हाँ बेटा। मम्मी इधर आना। सच बताना, आपने लक्ष्य को मना किया ना यहाँ आने के लिए? क्यों नहीं लाई उसे अपने साथ? बात हुई थी मेरी उससे, खुश थी वो यहाँ आने के लिए, दिल दुखा दिया आपने उसका। किस मुंह से लेकर आती यहाँ? तू जानती है ना क्या किया उसने? सारी दुनिया में हमारी थू थू हो रही है। तेरे ससुराल वाले कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नजरअंदाज करें। अच्छा हुआ नहीं लाई, नहीं तो तेरे ससुराल में कुछ नहीं होता इसके ससुराल में। हमने तो कुछ कहा ही नहीं और आपने खुद ही तय कर लिया। मंगल बिल्कुल ठीक कह रही है, लक्ष्मी को अभी यहाँ होना चाहिए था इसके ससुराल में। जो कुछ भी हुआ उसमें लक्ष्मी की कोई गलती नहीं है। अगर लक्ष्मी यहाँ नहीं आई तो हमारी मंगल का दिल आधा हो जाएगा। बेटा फोन करो लक्ष्मी को। तेरी वीडियो का इतना तमाशा हुआ, सबका शर्मिंदा कर दिया, अब उनके घर में जाकर आग लगाएगी? तू वहां नहीं जाएगी। हेलो मंगल दीदी, मैं आपको फोन करने ही वाली थी, वो दुकान पे अचानक आना पड़ा तो। सॉरी दीदी मैं पूजा में नहीं आ सकती, वीडियो कॉल लगाती हूँ। देखो तो कितनी बिजी है तू। अब दीदी वो झूठ मत बोला कर मुझसे लक्षु। चल अब जल्दी से रिक्शा पकड़ और आ जा। अब दीदी मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मम्मी से बात हो गई है मेरी, रुक। मम्मी अभी आती हूँ। तू मम्मी की बात सुनती है ना, रुक। लक्षु फोन स्पीकर पर है, बोलो आने के लिए। लक्ष्मी तो आ जा, सब याद कर रहे हैं तुझे, और मंगल तो बेचैन है तुझसे मिलने के लिए, अपने घर में आग लगाने के लिए बेचैन है। सुन लिया ना, चल अब जल्दी से आ जा, टाइम नहीं है, पंडित जी पहुंचते ही होंगे। सुन अगर तू नहीं आई ना तो मैं यहाँ कुछ नहीं करने वाली। आप जीजू के साथ पूजा में बैठ जाइए, मैं तुरंत आती हूँ। ठीक है जल्दी से आ जा। इनका कोई कॉल नहीं आया, जाने कहाँ फंस गए। क्या हुआ भैया, ऑटो स्टार्ट नहीं हो रहा? नहीं चल रहा है मैडम। इसे भी अभी खराब होना था। ऑटो जब से कार्तिक का लक्ष्मी के साथ वीडियो आया है, इसकी सुबह शाम जिया से लड़ाई चलती रहती है। परेशान कर रखा है मेरे बेटे को। माता रानी कुसुम जीजी की बात सच हो जाए, ये वीडियो ही इनके अलग होने का कारण बन जाए बस।
फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करा दूंगी। लक्ष्मी वो देखिए। ऑटो रमेश जरा गाड़ी वहां रुकी लड़की के पास। लक्ष्मी तुम कहां जा रही हो? मंगल भाभी के घर जा रही हो ना? हाँ। लेकिन अकेले? सब लोग चले गए और मेरा ऑटो खराब हो गया था तो। अरे ऐसे कैसे? अरे हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। नहीं नहीं आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। अरे ऐसे क्यों, जब एक ही जगह जाना है तो तुम अलग से क्यों आओगे? हमारे साथ चलो। माँ अब आप ही बोलिए लक्ष्मी को। आ जाओ लक्ष्मी, ऐसा भी क्या है, चलो आओ। थैंक यू आंटी। हाँ बोलो। हाँ मुझे भी लगता है हमें मिलकर बात करनी चाहिए। लगता है ये जिया मना ही लेगी कार्तिक को। लक्ष्मी अच्छा हो गया बेटा, कार्तिक ने तुम्हें हमारे साथ आने के लिए कह दिया। जी आंटी। लक्ष्मी ये तो वही लक्ष्मी है, कार्तिक हाउ कुड यू। अरे अरे कोइंसिडेंस है यार, तुम कुछ भी मत बोला करो। अरे क्या हुआ कार्तिक, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं माँ, सबको टेंशन ही देनी। अब आंटी घर पे सब ठीक है ना? ये क्यों इतनी अपनी बन रही है, मजबूरी में इसे पूछना पड़ा ताकि जिया इसका नाम सुनकर भड़क जाए। अब कहीं ये ना सर पे चढ़ जाए, इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। आज पूजा की सारी तैयारियां अकेले मंगल ने की है। हाँ कुसुम जी, आपकी देख रेख में सब सीख लिया उसने। मंगल तो आपकी बहुत तारीफ करती है, हमेशा खुश रहती है कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और समझदार पति और इतना बड़ा मकान भी मिल गया। सुना है आपका नया घर इससे भी बड़ा है। कुसुम जी एक बात कहूं, नए घर के लिए सोफा हम देंगे, हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है ना जी। हाँ बहन जी बिल्कुल, हमारी तरफ से सोफा सेट। भूषण जी इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाई साहब सच में ही कोई जरूरत नहीं है। देखिए बात जरूरत की नहीं है, हमारा मन है हम अपनी बेटी को कुछ दें, माँ बाप है। ठीक है तो फिर अब हम क्या कहें, जैसा आपको ठीक लगे। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते। आइए ना आइए, अंदर आइए। नमस्ते भाभी। बस बस। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कार्तिक बेटा कैसे हो? सदा सुहागन रहो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। जी जी गायत्री। सब एक साथ? हाँ सब एक साथ कैसे आ गए? हो एक्चुअली लक्ष्मी हमें रास्ते में मिली तो हमने इसे कहा कि हमारे साथ ही चलो, क्योंकि जाना तो एक ही जगह। क्यों चाचू आपकी तो न्यू एल्बम भी हिट हो गई, मेरे सारे फ्रेंड्स आपके फैन हैं। रियली? तुम्हारा चाचू है ही ऑसम, और इसी बात पे तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। yeah!
आप सब बैठिए ना। आओ गायत्री, बैठते हैं। और बता, सब ठीक है ना? हाँ जी। आदित्य जी नहीं आए? आदित्य, मंगल, आदित्य को फोन लगाओ, पूछो कहाँ तक पहुंचा। जी, आता ही होगा। क्या हुआ मंगल? उठा नहीं रहे हैं, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ ना। दीदी, मैं भी आती हूँ। तो जाओ और पता करिए इनके साथ कैसे आए। लिपिका बेटा, एक गिलास पानी ला मेरे लिए। दीदी, मुझे अचानक दुकान पर आना पड़ा, मैं नहीं आ सकती। बुद्धू, अगर तू नहीं आती ना तो मैं तेरे से कभी बात नहीं करती, और मैं आज पूजा में नहीं बैठने वाली थी, समझी? दीदी, वो सच में मैं... चुप कर, सब पता है मुझे। दीदी, इससे पूछो ये कार्तिक के साथ कैसे आ गई? अरे, वो रास्ते में मेरा ऑटो खराब हो गया और कार्तिक जी अचानक से मिल गए। ओहो, अचानक से काफी मिलना हो रहा है तेरा और कार्तिक का। लगता है एक और वीडियो वायरल होने वाला है। बट इस बारी दुपट्टा उड़ गया या फिर झुमका गिरा रे? सोच कर बोला कर अपनी बहन के बारे में लिपिका, कुछ भी। काश मेरा भी लक मेरी बहन जैसा होता। शुरू कर दी बकवास। अच्छा सुन, बाहर जाकर सबको पानी दे दे, वहां कोई बचकानी हरकत मत करना। दीदी, लिपिका ऐसी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, आप उसे मत डांटिए ना। अरे दीदी, उसको तमीज मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? अच्छा सुन लक्ष्मी, गायत्री मासी ने कुछ कहा तो नहीं तुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे सड़क पर देखा, कार रोकी और कहा कि साथ चल। शुक्र है माता रानी का। वो गायत्री मासी का स्वभाव थोड़ा अलग है ना, तो पता नहीं कौन सी बात उन्हें अखर जाए, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही थी मुझे। दीदी ऐसे ही रुकना, गजरे में कितनी सुंदर लग रही हैं आप। एक मिनट, यहाँ देखो। क्या लक्ष्मी, रुको ना। दिन हो या रात हो, तू भी ना। अब इधर देखो, खुशहाली पता चले। वैसे तो आज आप इस लाल रंग में आग लगा देंगी, बेचारे रीरू बच नहीं सकते, लाल रंग उनका फेवरेट जो है। ऐसा अच्छा है, फेवरेट कलर भी लाल, उनका गुस्सा भी लाल। कुछ भी, हाँ ऐसा मत बोल उनके बारे में, काम का इतना प्रेशर होता है ना, गुस्सा आ ही जाता है, और मैं भी तो ऐसी गलतियां करती हूँ कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। अच्छा जी, उनके प्यार में इतना लाल मत हो जाइए। अरे अरे देखो, गाल भी कैसे लाल हो रखे हैं। चलना दीदी। आपको फूल मिले क्या? फूल? पूजा के फूल? हाँ ना, आ गए। लगता है जीजू बुके अपने साथ लेकर आएंगे। लक्ष्मी, मुझे फ्रिज में से दूध निकाल कर देना। हाँ। आज तो प्यारा सा सरप्राइज मिलेगा मेरी दीदी को। अच्छा है ना? पर मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ जीजी, लेकिन आपको मैं मान गई। आपने बिल्कुल सही कहा था, आपदा में अवसर। जब देखो तब वो लड़की कार्तिक और लक्ष्मी के वीडियो के बारे में झगड़ा करती रहती है। आजकल की लड़कियां ऐसी होती है, घमंडी, छोटी सोच। I know. पर देखना, हम हमारे कार्तिक के लिए ऐसी लड़की ढूंढ कर लाएंगे जो तुम्हें पूरी इज्जत दे, दब के रहे।
कुछ और लेंगी आंटी? चाय कॉफी लाओ। कहा ना नहीं। लक्ष्मी फोन उठा के देना। ऐसे क्यों बात कर रही है गायत्री मौसी लक्ष्मी से? लक्ष्मी बेटा हमें भी हमारा फोन दे दो, उधर है। लिपिका। हाँ जी। मंगल से कहना हमारे लिए एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी बना दे। ओके। मैंने पूछा था तो मना कर दिया। आंटी सॉरी, वो उस दिन जो कुछ हुआ आपको दुख पहुंचा होगा ना? किसी को सच बात पता ही नहीं है, बदनामी पहले कर दी, किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया। कार्तिक जी तो बस मेरी हेल्प कर रहे थे, मेरा दुपट्टा फंस गया था तो वो बस आके मुझे मदद कर रहे थे। लक्ष्मी अब उस बात को जाने भी दो, तुम्हें तो पता है ना ये मीडिया वाले तमाशा बनाते हैं, लेकिन हमें हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। एंड यू डोंट वरी, माँ को पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हाँ पर मुझे लगा कि मैं खुद बता दूं। माँ अब आप ही बताइए लक्ष्मी को, ताकि इसे तसल्ली हो जाए कि इसमें किसी का कसूर नहीं। हाँ हाँ लक्ष्मी, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। मेरा बेटा है ही स्टार, क्या कर सकते हैं, आए दिन इसके बारे में वीडियोस आते ही रहते हैं। अगर ये कहीं छींक भी दे ना तो भी न्यूज बन जाती है। सो यू डोंट वरी। थैंक यू आंटी। लक्ष्मी ने एकदम सही किया, साफ साफ आमने सामने बात हो जाए तो गलतफहमी नहीं रहती। मंगल, आदित्य, हे माता रानी, आदित्य जी ने कॉल बैक ही नहीं किया, कहाँ रह गए? क्या हुआ सौम्या? कुछ नहीं आदित्य, तुम नहीं समझोगे। अरे क्यों नहीं समझूंगा मैं? तुम्हें शायद ठीक ना लगे लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि इस घर की पहली ईंट रखने से लेकर आज तक हर डिसीजन में हर चीज में मैं शामिल थी और हूँ रही। ऑफ कोर्स सौम्या, मैंने तो ये हमेशा कहा और सबके सामने मानता भी, यहाँ तक कि पूजा का इनविटेशन कार्ड, उसका डिजाइन, उसका फॉर्मेट सब कुछ मैंने किया है। हाँ सौम्या ये कोई बोलने की बात नहीं है, करने की है। मुझे पूजा में तुम्हारे साथ होना चाहिए आदित्य, इस तरह मेरी तारीफ करके मुझे खुशी के मौके पर अपने आप से दूर कर दोगे तो मुझे कैसे लगेगा? सौम्या तुम गृह प्रवेश पर रहोगी, खास दिन पर मेरे साथ रहोगी। और आज? यार आज बस घर पर एक छोटा सा फैमिली फंक्शन है। ऑफ कोर्स फैमिली। सौम्या तुम मेरे लिए फैमिली से भी बढ़कर हो, अचानक तुम्हें ऐसे घर लेकर जाऊंगा आज तो सब क्या बोलेंगे? It's okay. Soumya, please try and understand. तो तुम भी मेरे फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ना आदित्य, मुझे छोड़कर जा रहे हो तुम अकेला, बुरा नहीं लगेगा क्या मुझे? प्लीज आदित्य, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। Soumya आसान नहीं है, समझो प्लीज। कोई बात नहीं। तैयारी पूरी है अम्मा, बस पंडित जी कब आएंगे? हे माता रानी आ गए। ये पापा ही है, गुस्से में ऐसे बजाते हैं। तुझ पे गुस्सा आओगे
कि दरवाजा खुलता नहीं है उनका बेटा। आ गए। क्या है? इसे यहाँ क्यों बनाया? जी, ये रंगोली है। अरे मुझे भी पता है रंगोली है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसे यहाँ बीचों बीच दरवाजे के सामने क्यों बनाया? मेहमान क्या छलांग मार कर अंदर जाएंगे?